स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सामाजिक विज्ञान फॉर यू में। आज हम क्लास 9 का पहला चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी से कुछ MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। पालमपुर गांव में कितने परिवार थे? तो पालमपुर गांव में 450 परिवार थे, यानी कि थर्ड आंसर जो है वो सही है। सेकंड क्वेश्चन, पालमपुर गांव में कितने लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे? तो पालमपुर गांव में 75% लोग जो हैं वो कृषि कार्य में लगे हुए थे, तो इसका भी आंसर थर्ड सही है। पालमपुर गांव के लोगों के मुख्य क्रियाकलाप क्या हैं? तो पालमपुर गांव के लोगों के मुख्य क्रियाकलाप कृषि हैं, तो इसका भी थर्ड आंसर सही है। पालमपुर गांव में उच्च जाति के लोगों के परिवारों की संख्या कितनी थी? तो पालमपुर गांव में उच्च जाति के लोगों के परिवारों की संख्या 80 थी, इसका सेकेंड आंसर सही है। पालमपुर गांव में यातायात के साधन क्या थी? तो यातायात के लिए वहाँ पे बैलगाड़ी, भैंस, बग्गी और ट्रक चला करते थे, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि फोर्थ आंसर जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6, पालमपुर गांव में इनमें से किन के घर मिट्टी और फूस के बने थे? तो मिट्टी और फूस के घर जो हैं वो अनुसूचित जाति के लोगों के बने थे, यानी कि दलित लोगों के बने थे, और इसका आंसर फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 7, पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या कितनी थी? तो पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या 1 थी, तो नंबर 1 सही है। पालमपुर गांव में इनमें से क्या नहीं था? तो पालमपुर गांव में निजी औषधालय था, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भी था और प्राथमिक विद्यालय भी था, तो रेलवे स्टेशन वहाँ पे नहीं था, तो इसका आंसर होगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, पालमपुर गांव की कहानी में करीम कौन है? तो पालमपुर गांव की कहानी में करीम जो है एक कंप्यूटर शिक्षक है, तो इसका भी आंसर नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन के कितने संगठन हैं? तो उत्पादन के हम लोग जानते हैं कि 4 संगठन हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, तो आंसर इसका 4 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से उत्पादन के संगठन कौन नहीं है? तो उत्पादन के संगठन इसमें से भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, ये तो उत्पादन के संगठन हैं, लेकिन डेयरी उत्पादन का संगठन नहीं है, तो इसका आंसर होगा 2, यानी कि डेयरी। इनमें से कौन स्थायी पूंजी है? तो स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? स्थायी पूंजी वह होता है जो कि बहुत दिनों के लिए हमारे साथ रहता है, तो बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ये सब तो कार्यशील पूंजी में आते हैं, यानी कि स्थायी पूंजी इसका ट्रैक्टर होगा। इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है? तो इसमें से स्थायी पूंजी जो है वो पैसा, इसमें से स्थायी पूंजी पैसा नहीं है, तो इसका आंसर होगा नंबर 4। इनमें से कौन कार्यशील पूंजी है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का है कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी क्या होता है? जो कि बहुत ही कम दिनों के लिए हमारे पास रहता है, तो इसका आंसर होगा नकद मुद्रा, क्योंकि ट्रैक्टर, कंप्यूटर और बड़े उपकरण जो हैं वो स्थायी पूंजी होते हैं और हमारे पास लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, ठीक है, तो आंसर नकद मुद्रा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन कार्यशील पूंजी नहीं है? तो इनमें से कौन कार्यशील पूंजी नहीं है वो होगा थ्रेसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुविध फसल प्रणाली क्या है? तो बहुविध फसल प्रणाली वो होता है जिसमें
एक साल में हम एक से अधिक खेती करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आधुनिक फसल प्रणाली क्या है? तो आधुनिक फसल प्रणाली जो है, हम सब जानते हैं कि हरित क्रांति और आधुनिक फसल प्रणाली वो दोनों एक ही चीज़ है, तो इसका आंसर नंबर 3 होगा, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, HYV बीज और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, पालमपुर गांव में श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? तो श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? जिसके पास भूमि होंगे वो तो श्रम की व्यवस्था नहीं करेगा, लेकिन जिसके पास बहुत ही कम भूमि होंगे यानी कि छोटे किसान, और जिसके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं होंगे यानी कि भूमिहीन श्रमिक, वही श्रम की व्यवस्था करेगा यानी कि वो दूसरे के खेतों पर काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सविता को ऋण किन से मिला? तो सविता को ऋण तेजपाल सिंह से मिला, क्योंकि तेजपाल सिंह जो है वो ऋण लोगों को ऋण देने का काम करता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, पालमपुर गांव में डाला इनमें से कौन है? तो डाला जो है तेजपाल सिंह से, डाला जो है वो क्या था? वो एक भूमिहीन श्रमिक था। तो ये हो गए 20 क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो कि चैप्टर 1 से है।